आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे जो नुस्खे होते हैं वो वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले और घर बैठे मिल सकेंगे। दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण और धूप धूल की वजह से बालों की परेशानियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, फिर चाहे वो परेशानियाँ डैंड्रफ से जुड़ी हों या रूखे बालों से जुड़ी हों। इसके लिए आपको मार्केट में बहुत से अलग अलग शैम्पू मिल जाएंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट्स पूरी तरह असरदार नहीं होते हैं और इसके कुछ देर बाद ही ऐसा महसूस होता है कि परेशानियाँ वापस आ गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शैम्पू सही रिजल्ट दे, तो इस्तेमाल करने से पहले इन नेचुरल चीज़ों को इसमें मिलाएं, इससे आप अपने बालों की परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि किस परेशानी के लिए शैम्पू के साथ आप किस चीज़ को मिक्स करके इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर एक, रूखे बालों के लिए। रूखे बालों की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आप शैम्पू में एक छोटा चम्मच गुलाब जल मिलाकर इस्तेमाल करें। इसमें मौजूद मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी आपके बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगी और साथ ही इससे आपके बाल शाइनी बनेंगे। नंबर दो, डैंड्रफ के लिए। इसके लिए आप अपने शैम्पू में एक छोटा चम्मच नींबू का रस मिलाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको बता दें कि इसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स मौजूद होते हैं जो स्कैल्प में होने वाली खुजली और डैंड्रफ दोनों समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। इस प्रक्रिया को आप हफ्ते में कम से कम दो बार इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर तीन, पतले और जड़ते बालों के लिए। दोस्तों, यदि आप बालों को मजबूती देकर बालों की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं और इन्हें घना बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए आप शैम्पू में एक छोटा चम्मच आंवला पाउडर मिलाएं या आप इसकी जगह आंवला जूस भी मिला सकती हैं। फिर 2 मिनट तक स्कैल्प की मसाज करें। आप देखिए कि आपके बाल पतले की जगह मोटे होने शुरू हो जाएंगे और झड़ते हुए बाल रुक जाएंगे। दोस्तों, आपको स्कैल्प की सफाई के लिए क्या करना है जरा देख लीजिए। खूबसूरत और मजबूत बाल के लिए ये जरूरी होता है कि स्कैल्प में मौजूद हर तरह की गंदगी निकल जाए। इसके लिए सिर्फ शैम्पू पर्याप्त नहीं होता है, इसकी गहरी सफाई के लिए इसमें एक छोटा चम्मच चीनी मिलाकर लगाएं और 2 मिनट तक हल्के हाथों से स्कैल्प को रगड़ें और फिर धो लें। इससे शैम्पू में मौजूद केमिकल्स जो आपके स्कैल्प में जमा होते हैं वो भी निकल जाएंगे। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।